Hello, dear students, welcome back to your biology class. Now, uh, we were on the chapter circulatory system, and in part one, you have learned about the three main components of the circulatory system that is, blood, blood vessels, and the pumping organ heart. I explained you what are the main cells and what is the composition of blood. Then I explained you the types of blood vessels and the human heart structure I have completed. Okay, so you have uh, got an idea about the structure of heart, and now today we are going to start with the function of heart. Okay, so before starting function of heart let us quick re uh, revise the structure of heart once again because it is very important to learn the structure before understanding the function okay so uh, students i think till now everybody got an idea you understood that heart is just a pumping organ in our body Heart is not purifying the blood, it is just pumping the blood throughout the body. So, today we will learn that how it is pumping the blood throughout our body. So, uh, let's start with the structure. So, in this structure, uh, we have studied about the four chambers right atrium or right auricular uh, right ventricular lower chambers are called as ventricles or discharging chambers so right in, on the right side it is right ventricle then third chamber is left auricle or left atrium and the fourth one is left ventricle okay so these are the four chambers and uh, in addition to these four chambers four walls are also present which will regulate the blood from auricles to ventricles or to the various parts of the body so let us see where are the four chambers this one first chamber is between the right or auricle and right ventricle it is called as tricuspid and then in between the left auricle and left ventricle it is bicuspid and two more walls are present which are at the base of the uh, vessels okay so you left ventricle vessel बाहर जा रही है दैट इज द पल्मोनरी आर्टरी विच विल ब्रिंग द ब्लड टू द दिच विल टेक द ब्लड टू द लंग्स ओके जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगी प्योरीफिकेशन के लिए सो so, उसके बेस पे जो वॉल्व है दैट इज कॉल्ड एज पल्मोनरी वॉल्व एंड देर इज वन मोर कॉल्ड एज एटिक वॉल्व विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एटा क्या है दैट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ आवर बॉडी विच विल ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्लियर है ओके सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फोर वॉल्स ऑल्सो नाउ लेटस्ट डिस्कस द ब्लड वेसल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड लाती है वो होती है वेनाकेवा वेनाकेवा इज टू पार्ट डिवाइडेड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेनाकेवा ओके एंड देन राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड को लेके जाती है कहाँ पर लंग्स के पास में प्योरिफिकेशन के लिए दैट इज द पल्मोनरी आर्ट्री एंड इट इज द ओनली टाइप ऑफ आर्टरी विच विल कैरी द इमप्योर ब्लड अदरवाइज आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या होता है टू कैरी प्योर ब्लड क्लियर नाउ कम टू द लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में क्या होती है पलमोनरी वेन्स जो है वो प्योर ब्लड लेके आती है फ्रॉम द लंग्स एंड देन फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द एरोटा इज कनेक्टेड विच विल्स ट्रांसपोर्ट द प्योर ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी ओके सो वी हैव डिस्कस एंड इन एडिशन टू दैट वन मोर ब्लड वेसल इज प्रेजेंट अराउंड द हार्ट दैट इज द करोनरी आर्टरी एंड कॉररी वेन्स और इनका मेन काम क्या होता है कि ये हार्ट के ऊपर होती है और हार्ट को खुद को ब्लड प्रोवाइड करती है और उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है क्लियर ओके अदरवाइज द फोर मेन वेसल्स विच आर कनेक्टेड टू फोर मेन चेंबर्स आर दीज फोर वेसल्स क्लियर नाउ टूडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वर्किंग ऑट हाफ अ हार्ट और वी कैन सी द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है सो हार्ट पम्प ब्लड कॉन्स्टेंटली कभी भी स्टॉप नहीं करता है दिस इज द ओनली ऑर्गन विच इज वर्किंग थ्रू आउट अवर लाइफ ट्वेंटी फोर सेवन आवर्स कंटिन्यूअसली वर्क करता रहता है सो बेसिकली वॉट इट इज़ डूइंग सपोज यू कैन सी इन दिस डाइग्राम यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स फर्स्ट ऑफ ऑल द इम्प्योर ब्लड विल कम इन टू द राइट औरकल यहाँ पे ब्लड को प्योरीफाई हार्ट नहीं करता है सो हार्ट विल सेंड दैट ब्लड टू द लंग्स फॉर द प्योरीफिकेशन क्लियर है एंड देन आफ्टर द ब्लड विल गेट प्योरीफाइड नाउ दैट प्योर ब्लड विल अगेन कम इन टू द हार्ट बिकॉज लंग्स अब इसको सारे बॉडी पार्ट के पास नहीं भेज सकता वो कंट्रैक्शन नहीं करता है सो दैट्स वाई द लंग्स विल send that pure blood to the heart and then from here now the pure blood will again go to all the body parts yahan pe kya hoga pure blood mein se oxygen le li jayegi aur usme impurity means carbon dioxide fir se add kar di jayegi now the again the blood will become impure now again that impure blood will come into the heart. फिर उसको purification के लिए भेजेंगे फिर purify करके वापस बुलाएंगे और फिर उसको circulate कर देंगे So can you see one thing here? दट द सेम ब्लड इन द बॉडी इज एंटरिंग एंड लीविंग फॉर द टू टाइम्स ओके दैट्स वाई इन अवर बॉडी वी आर हैविंग डबल सर्कुलेशन क्लियर है मीन्स पहले बॉडी पार्ट से ब्लड को यहाँ लाया जाता है फिर उसको प्योरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है फिर वापस उसको हार्ट में बुलाया जाता है फिर उसको फिर से सर्कुलेट कर दिया जाता है ऐसे एक सर्कल नहीं बन रहा है दो सर्कल्स बन रहे हैं मीन्स अ काइंड ऑफ एट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज हैपनिंग ओके सो दैट्स वाई द ब्लड इज

फिकेशन यहाँ पे क्या होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा ओके ब्लड विल गेट ऑक्सीजनेटेड हेयर वो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं छोड़ देगा और ऑक्सीजन ऐड कर लेगा क्लियर है एंड देन वॉट विल हैपन नाउ दिस

Come into the right auricle of the heart. So, in this way, the circulation of blood is happening. Clear? Eh? Now, वी आर सेंग दैट द सेम ब्लड इज एंटरिंग फॉर द टू टाइम सो दट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन सो वी कैन से फॉर कंप्लीटिंग वन राउंड ऑफ सर्कुलेशन एक बार का पूरा सर्कुलेशन कम्प्लीट करने के लिए डबल बार हार्ट में वो ब्लड एंटर होता है इसीलिए हम उसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं सो so ये जो दो सर्कल्स बन रहे हैं इन दोनों सर्कल्स को हम क्या बोलेंगे द सर्कुलेशन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इट इज कॉल्ड एज पलमोनरी सर्कुलेशन क्योंकि पल्मो वर्ड इज ऑलवेज गिवन टू द लंग्स ओके सो

क्लियर है ओके सो नाउ डबल सर्कुलेशन इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पिक्चर शोइंग द सेम डायग्राम ओके यू कैन सी हियर यहां पे बॉडी ऑर्गन से पहले इम्प्योर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड यहां हार्ट में आता है यहां से इसको सेंड कर दिया जाता है लंग्स के पास फॉर प्योरीफिकेशन लंग्स में क्या हो जाएगा प्योरीफाई के प्योरिफिकेशन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सेल आउट हो तो जाएगी और ऑक्सीजन एड कर ली जाएगी अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कॉल्ड एज प्योर ब्लड इट विलकम इन टू द लेफ्ट ऑरिकल देन इन टू द लेफ्ट वेंट्रिकल देन

फॉर्मिंग अ पलमोनरी सर्कल एंड वेंट्रिकल से जो ये ब्लड प्योर ब्लड है उसको बॉडी पार्ट्स पर भेजा जाएगा देन इट विल अगेन बिकम डी ऑक्सीजिनेटेड एंड अगेन इट विल कम इन टू द राइट एट्रियम दिस सर्कुलेशन इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्लियर है आई थिंक यू ऑल अंडरस्टुड दैट दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हैपन्स इन द डबल सर्कुलेशन Okay, now come to the next topic that is cardiac cycle and heartbeat. Okay, so uh, you have learned now ki that uh, double circulation will happen in our body. ओके एंड विन द कंप्लीशन ऑफ दैट वन डबल सर्कुलेशन दैट इवेंट इज कॉल्ड एज कार्डियक साइकिल ओके सो कार्डियक साइकिल का मतलब क्या है ये जो डबल सर्कुलेशन एट शेप बन रहा है इस पूरे एक सर्कुलेशन के अंदर एक जो साइकिल रेट रोटेशन होता है उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं सो बेसिकली कार्डियक साइकिल में क्या होता है ऑल द हार्ट मसल्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम यानी ऐसा नहीं है कि पूरा हार्ट कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले हार्ट के अंदर क्या होता है ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन

ओके इन द साइंटिफिक लैंग्वेज कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं सिस्टॉल और जब हार्ट रिलैक्सड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टॉल सो हेयर यू नीड टू लर्न दीज टर्म्स ओके द कंट्रैक्शन इज टर्म्ड एज सिस्टॉल एंड द रिलैक्शेसन इज टर्म्ड एज डायस्टॉल क्लियर एंड ये जो कार्डियक साइकिल होती है एक बार उसको हम uh, कैसे सुन सकते हैं हार्ट बीट यू ऑल नो दैट आर हार्ट इज बीटिंग कंटिन्यूसली ओके सो विद दैट बीटिंग व्हाट द हार्ट इज डूइंग द हार्ट इज परफॉर्मिंग दैट कार्डियक साइकिल वो जो डबल सर्कुलेशन होता है उसको परफॉर्म करते वक्त वो हार्ट बीट हमें सुनाई देती है ओके सो वन कंप्लीट हार्ट बीट और वी कैन से द कार्डियक साइकिल इट इज़ वन ऑफ द सेम थिंग कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो रही है और जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसको कंप्लीट करने में उसको हम बोलते हैं हार्ट बीट सो इन इन द कंप्लीट

and with that uh, double circulation the heart is doing one time contraction and one time relaxation that's why we can say one heartbeat is equals to one cardiac cycle okay and in one cardiac cycle there will be one systole plus one diastole and that will be completed in 0.8 second ओके सो यू अंडरस्टूड वन सिस्टॉल एंड वन डायस्टॉल इसका क्या मतलब हुआ कि हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है बट स्टूडेंट्स हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि जो पूरा हार्ट है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है पहले क्या होता है ओरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो अपर चैम्बर्स होते हैं ओके okay, जिससे क्या होता है ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड हार्ट से बाहर जाता है क्लियर है सो so, हम ये कह सकते हैं कि होता वन सिस्टॉल ही है बट टू पार्ट में पहले ओरिकल्स करते हैं फिर वेंट्रिकल्स करते हैं ओके सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हम उसको काउंट वन ही करेंगे क्योंकि पूरा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है बट वो थोड़ा थोड़े पोर्शन में कर रहा है पहले ऊपर वाला पोर्शन करेगा फिर नीचे वाला करेगा सो वी विल काउंट इट एज वन सिस्टॉल बट इट इज टू पार्ट डिवाइडेड ऑरिकुलर सिस्टॉल और वेंट्रिकुलर सिस्टॉल सो अब एक कार्डियक साइकिल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं दैट अ कार्डियक साइकिल इज हैविंग Three main uh, events that is auricular systole, then ventricular systole, and then diastole. सो हियर यू कैन सी द सेम डायग्राम इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो यू कैन सी फ्रॉम योर बुक ऑल्सो सो सबसे पहले क्या होता है कि हार्ट ना डायस्टॉल स्टेज में होता है यानी रिलैक्स रहता है देन वॉट विल हैपन ये जो से ये फिल्ड हो जाएंगे ओके okay? ब्लड से फिल्ड हो गए कैसे फिल हुआ राइट right ऑरिकल में कहाँ से ब्लड आया फ्रॉम द इन्फीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा से एंड लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आया है फ्रॉम द लंग्स ओके प्योर ब्लड आ गया यहाँ पे देन आई told यू सबसे पहले क्या होगा ऑरिकल्स स्टॉल करते हैं जैसे ही ऑरिकल्स स्टॉल करेंगे ये ब्लड कहाँ आ जाएगा वेंट्रिकल्स में आ जाएगा अब दूसरे में क्या होगा वेंट्रिकुलर इस्टॉल वेंट्रिकुलर स्टॉल में क्या होगा अब यहाँ से पुशिंग होएगी तो ये ब्लड अब बाहर चला जाएगा राइट right वेंटिकल से चला जाएगा पलमोनरी आर्ट्री में एंड देन लंग्स में और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाएगा एयरोटा में एंड देन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स ओके और जब ये वेंटिकल्स भी खाली हो जाएंगे तो फिर से हार्ट क्या करेगा रिलैक्स हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे नाव द हार्ट इज इन द डाय स्टोलिक कंडीशन क्लियर है सो so, एक कार्डियक साइकिल में ये मेन थ्री इवेंट्स होते हैं पहले क्या होगा ऑरिकुलर स्टॉल, देन वेंटिकुलर स्टॉल एंड देन डायस्टॉल और ये करते हुए एक कार्डियक साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी और जो इस पूरे इवेंट के अंदर जो दो साउंड प्रोड्यूस होंगे उनको हम बोलेंगे हार्ट बीट सो so, हार्ट बीट के अंदर दो साउंड क्यों प्रोड्यूस होते हैं बिकॉज जो ऑरिकल्स और वेंटिकल्स है वो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं क्लियर पहले जब ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एक थोड़ा वीक साउंड प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑरिकल धीरे से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसके बाद में वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो फिर से एक और साउंड प्रोड्यूस होगा वो थोड़ा डीपर होगा एंड दैट इज कॉल्ड एज डब साउंड सो हार्ट बीट के अंदर दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं टू आर कॉल्ड लब साउंड साउंड एंड डब ओके हम हमारी हार्ट बीट को वैसे भी कैसे सुनते हैं धक धक ओके वी आर नॉट प्रोनाउंसिंग इट ओनली धक इसका क्या मतलब है धक धक यानी दो साउंड प्रोड्यूस हो रही बेसिकली टर्म इज नॉट धक धक द टर्म इज लब ओके एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन ऑफ हार्ट बीट इज लब डब ओके सो साउंडसिंग इन वन कार्डियइकिल वाई टू साउंड बिकॉज साउंड हमेशा कॉन्ट्रेक्शन से प्रोड्यूस होती है रिलैक्सेशन से आवाज नहीं आती है सो so, कॉन्ट्रैक्शन का हमने क्या बोला कि हम काउंट उसको वन इंस्टॉल करते हैं बट वो टू पार्ट होता है पहले ऑरिकल्स कॉन्टेक्ट होते हैं एंड देन वेंटिकल्स कॉन्टेक्ट होते हैं क्लियर है ओके सो दो साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं दीज आर लब साउंड एंड डब साउंड्स, ओके और अपनी नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है इट इज सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट वन हार्ट बीट विल बी कंप्लीटेड इन पॉइंट एट सेकंड पॉइंट एट सेकंड में आपको लब डब आवाज आ जाएगी फिर से वापस लब डब ऐसे आवाज आती है एंड बेसिकली ये क्यों साउंड प्रोड्यूस होती है बिकॉज जब ऑरिकल्स कॉन्टैक्ट करते हैं तो जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल्स में आता है तो उन दोनों के बीच में ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं जैसे ही वो क्लोज होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड अब क्या होता है जो क्लोजिंग की वजह से आवाज आती है उसको बोलते हैं लब साउंड और जब वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट होंगे तो ब्लड वेसल्स में चला जाएगा ओके okay, जैसे ही वेसल्स में जाएगा तो, तो दोनों वेसल्स के बेस पे जो पल्मोनरी और एरोटिक वॉल अब वो क्लोज हो जाएंगे बैक फ्लो प्रिवेंट करने के लिए तो अब वो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा डब साउंड इट इज नॉट गिवन इन दैट मच डिटेल इन योर बुक दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू मच सो नाउ अगेन यू विल स्टडी अबाउट दैट इन योर टेंथ स्टर्ड ओके नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पल्स रेट अब पल्स रेट क्या है यू हैव सीन दैट समटाइम डॉक्टर्स आर मेजरिंग द हार्ट बीट हेयर यहाँ पे दो उंगलियां रख के ना वो कई बार ऐसे हार्ट बीट सुनते हैं अगर उनके पास स्टेथोस्कोप नहीं होता है तो स्टेथोस्कोप क्या है वो एक इंस्ट्रूमेंट uh, होता है जिससे कि हार्ट बीट सुनी जाती है ओके okay? कानों में जैसे डॉक्टर लगाते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप दे आर लिसनिंग टू योर हार्ट बीट बट समाइम इफ द डॉक्टर इज नॉट हैविंग स्टेथोस्कोप सो दे केन ऑल्सो मेजर योर हार्ट बीट हियर कैसे कर सकते हैं बिकॉज नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है सो so उस हार्ट से आर्टरीज जो कनेक्टेड है उनमें भी थोड़ा सा खिंचाव आता है ओके okay? वो भी थोड़ी सी खिंचती है स्ट्रेच हो जाती है ओके okay? अब क्या होगा जब वो स्ट्रेच हो जाती है ना तो वो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो साउंड आप है ना उन आर्टरीज में सुन सकते हो कौन सी आर्टरीज में ओनली दोज आर्ट्रीज विच आर वेरी सुपर यानी स्किन के जो बहुत पास में है ना तो हर जगह पे आप हाथ लगाओगे तो आपको नहीं सुनाई देगा एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक लोकेशन पे आपको सुनाई देगा तो यहाँ पे अपनी एक लोकेशन है जहाँ पे आर्टरीज ना थोड़ी पास में है सो इफ़ यू विल कीप योर टू फिंगर्स हेयर सो यू कैन आल्सो हियर दैट हार्ट बीट एंड दिस हार्ट बीट इज़ कॉल्ड एज पल्स रेट मतलब यहाँ पे जो सुनते हैं ना उसको हम क्या बोलेंगे पल्स रेट सो पल्स रेट क्या होता है बेसिकली कि जब हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है सो so जो ब्लड है वो आर्टरीज में भी बहुत हाई स्पीड से फ्लो करता है और जो हार आर्टरीज कनेक्टेड होती है हार्ट से वो भी स्ट्रेच हो जाती है और जब वो रिलैक्स होता है तो आर्टरीज भी रिलैक्स हो जाती है सो दैट स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सिंग ऑफ आर्टरीज विद ईच हार्ट बीट यू कैन हियर दैट हियर दैट साउंड एज अ थ्रॉबिंग साउंड और उस साउंड को हम बोलते हैं पल्स सो so, अब इनका नंबर कैसा होगा ऑब्वियसली इसका नंबर इक्वल किसके होगा हार्ट बीट के नंबर में बिकॉज जितनी बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतनी ही बार तो स्ट्रेचिंग होगी आर्टरीज में और उतना ही वो थ्रॉबिंग साउंड आएगा सो so, अगर हमारे पास स्टेथोस्कोप नहीं है सो so दैट हम यहाँ पे उंगलियाँ रख के भी सुन सकते हैं हमारी पल्स रेट सो अगेन

अब क्या होता है जब ये आर्टरीज के अंदर ये जो प्रेशर है जब आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो होता है तो वो जो ब्लड है वो आ, क्या करता है एक प्रेशर एग्जर्ट करता है टू द वॉल्स ऑफ दैट आर्टरीज ओके जैसे कि कोई पाइप है उसके अंदर अगर पानी फ्लो कर रहा है तो जो पानी है वो जो पाइप के अंदर वाली वॉल्स है ना उसके ऊपर एक प्रेशर एक्जर्ट करता रहता है ओके और वो प्रेशर बढ़ कब जाएगा जब अंदर का जो ल्यूमन है जो अगर अंदर का जो स्पेस है वो बहुत कम होगा तो पानी और प्रेशर से जाएगा सो तो सेम इज हैपनिंग इन अवर आर्टरीज अपनी आर्टरीज में भी क्या होता है कि जो अंदर ब्लड फ्लो होता है वो उस आर्टरीज की वॉल के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं हमारा ब्लड प्रेशर सो so, अब आर्टरीज में भी ब्लड प्रेशर क्या होगा दो तरीके का होगा जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आर्टरीज भी खिंचेगी जब आर्टरीज खिंचती है तो वो जो प्रेशर है अंदर का वो भी बढ़ जाता है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर क्लियर क्योंकि उस टाइम क्या हुआ है सिस्टॉल हुआ है हार्ट का इसलिए हमने उसको बोल दिया सिस्टोलिक प्रेशर सो दैट इज अ प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द आर्ट्रियल वॉल ड्यूरिंग सिस्टॉल ऑफ द हार्ट दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर और ऑब्वियसली ये क्या होगा ज्यादा होगा ओके, okay. सो so, uh, ये क्या होगा जब वेंट्रिकल सिस्टॉल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे जो कनेक्टेड आर्टरीज है उसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है वो भी हाई हो जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोलिक प्रेशर सेकेंड इज डायस्टोलिक प्रेशर यानी अब जब हार्ट रिलैक्सड हो गया है सो उस कंडीशन में क्या होगा जो प्रेशर है वो अब थोड़ा कम हो जाएगा सो दैट इज़ डायस्टॉलिक प्रेशर वेन द हार्ट इज़ इन डायस्टॉलिक कंडीशन तो उससे जो कनेक्टेड आर्टरीज है उसमें भी प्रेशर अब थोड़ा कम हो जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड एज डायस्टॉलिक प्रेशर सो बेसिकली वी आर मेजरिंग बोथ द टाइप्स ऑफ प्रेशर ओके और ये जो प्रेशर है इसको नापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या नाम है स्मिग्मो मैनोमीटर

सेम इज हैपनिंग इन दिस ऑल्सो सो अब सिस्टोलिक के टाइम पे वो थोड़ा और ऊपर चढ़ेगा और डायस्टोलिक के टाइम पे थोड़ा कम नीचे चलेगा क्योंकि उसमें प्रेशर कम होता है okay? so, एक का और डायस्टॉलिक प्रेशर कैसा होना चाहिए सिस्टॉलिक प्रेशर शुड बी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एंड प्रेशर शुड बी एट्टी एम एम ऑफ एच जी ओके हि यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमएम ऑफ एफ जी जिससे कि आप ये शो कर रहे हो कि एट्टी एम mm तक ऊपर चढ़ा गया था ड्यू टू द डायस्टॉलिक प्रेशर क्लियर है ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड प्रेशर ओके और अगर इस वैल्यू से अगर आगे चला जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया है सो बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर कब होता है जब कोई लोग बहुत ज़्यादा ऑयल घी कोलेस्ट्रॉल खाते हैं तो उनके पाइप का मीन्स जो आर्टरीज है उनके अंदर का जो ल्यूमन होता है वो नैरो हो जाता है क्योंकि आसपास में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है सो so, जब भी नैरो हो जाएगा ल्यूमन तो क्या होगा अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है सो दैट टाइप ऑफ पर्सन विल सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर हाई बी वाली उनको हो जाती है अब नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ हार्ट उसमें हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे हियर यू ऑलली नीड टू अंडरस्टैंड द ब्लड प्रेशर एंड द टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर दैट इज सिस्टॉलिक एंड डायस्टॉलिक प्रेशर सो हेयर आई एम एंडिंग दिस पार्ट ऑफ द विडियो एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुप्स एंड द डिजेज रिलेटेड टू द हार्ट टिल चैप्टर थैंक यू सो मच